जो है ना, हम लोगों ने गेट का बहुत सारा टॉपिक पढ़ लिया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लोग जॉर गेट। जो जॉर गेट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव ऑल गेट। अब एक्सक्लूसिवली ऑल गेट क्यों बोलते हैं वो हम लोग समझते हैं कि क्या बोलते हैं। तो जॉर गेट प्रोड्यूसेस ए हाई आउटपुट, मतलब कि इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि जॉर गेट हाई आउटपुट प्रोड्यूस करता है इफ एन ऑड नंबर, ये तुम लोग ध्यान दें रखना लोग, इफ एन ऑड नंबर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई। मतलब कि ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई का क्या मतलब हुआ कि मान ले हम लोगों ने 3 इनपुट दिया हुआ है, यहाँ पे 2 इनपुट है वो 1 है और ये 0 है, तो ये हो गया 1 और 2, 2 इवन है, ठीक है। ऑड में क्या होगा कि 1 हाई है बाकी सब लो है, तो ये हो गया ऑड नंबर ऑफ इनपुट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब ऑल इनपुट है, इफ और एन ऑड नंबर ऑफ इनपुट इज हाई, जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई होगा तभी ये हाई होगा, इफ इवन नंबर ऑफ इनपुट इज हाई देन द आउटपुट विल बी 0, ठीक है ना। तो अगर हम लोग लिखने जाए, अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाने जाए, तो इसका जो टॉपिक है उससे ही, मतलब जिसका जो स्टेटमेंट है उसको ही याद रख के हम लोग बनाते हैं। दो पिन लेके, मतलब 2 इनपुट लेके, ए बी, और यहाँ पे आउटपुट लिखते हैं। अब 0 1 सॉरी 0 0 1 1 0 1 0। अब देखते हैं कि इसमें कैसे बनेगा। तो क्या बोल रहा है कि ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई है तो हाई है, अदरवाइज क्या है लो है। तो ऑड नंबर ऑफ इनपुट देखने जाए तो ऑड नंबर ऑफ इनपुट यहाँ पे 0 0, ये तो हो गया 0 इवन नंबर में, जो इनपुट है वो 0 इवन नंबर में है क्योंकि ये 2 है 0, तो ये आउटपुट क्या होगा 0 होगा क्योंकि इवन है ये और दोनों इनपुट 0 है। ऑड नंबर ऑफ इनपुट में ये हो गया कि पहला जो इनपुट है वो हाई है, जब एक इनपुट हाई है तो 1 हो गया ऑड नंबर, ऑड नंबर का इनपुट हाई है तो ये हो गया 1। यहाँ पे भी सिर्फ वैसे ही हो गया कि ऑड नंबर ऑफ 1 है, 1 ऑड है क्योंकि एक ही जगह पे ऑड है, तो ये 1 ऑड हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया। और यहाँ पे क्या है कि 2 इनपुट हाई है, 2 इनपुट हाई है, लेकिन जब 2 इनपुट हाई है तो 2 इनपुट हो गए, इसका मतलब है कि 2 इवन नंबर है। इवन नंबर ऑफ अगर इनपुट हाई रहता है तो ये 0 करना है, तो इसको भी 0 कर दो। ये तुम लोगों को हो गया ट्रूथ टेबल। अगर मैं तुम लोगों को एक बार और समझाने जाऊँ तो क्या करना है, एक सिंपल सी, अगर तुम लोगों को जहाँ भी जॉर गेट देखे, एक्सक्लूसिवली और गेट देखे, तो क्या करना लोग, यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट हाई इनपुट गिनना लोग, नंबर ऑफ हाई इनपुट, ठीक है ना, सारे मतलब ब्लॉक में, जब नंबर ऑफ हाई इनपुट में तुम लोग को हाई इनपुट ऑड आए तो 1 कर देना लोग, हाई इनपुट इवन है, नंबर ऑफ हाई इनपुट, हाई इनपुट इवन आए तो ये इसको क्या कर देना लोग, 0 कर देना लोग। तो ये हो गया तुम्हारा जॉर गेट का ट्रूथ टेबल। और जो लॉजिकल डायग्राम है इसका, वो क्या करना लोग, एक और गेट टाइप का बनाना लोग, और गेट का आउटपुट लेना लोग, ए और बी लिखना लो, और यहाँ पे एक और डंडी मार देना लो। ये हो गया जॉर गेट का डायग्राम कि और गेट में पहले डंडी है तो ये है जॉर गेट, यहाँ पे 0 है तो ये है नॉर गेट। उम्मीद है तुम लोगों को समझा होगा कि और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, लॉजिक डायग्राम क्या है और ट्रूथ टेबल क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स। We'll be right back.